हेलो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा वीडियो होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे 18 अप्रैल यानी आज के दिन टोटल भारत में कोविड 19 के कितने केसेस है उस बारे में हम लोग बात करेंगे और कल से लेकर आज तक कितना इजाफा हुआ है इन नंबर्स में उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो कल यहाँ पर 13,495 केसेस थे और आज की अगर हम लोग बात करेंगे तो 14,425, तो टोटल यहाँ पर 930 यानी 930 केसेस का यहाँ पर एक दिन में इजाफा हो रहा है। यानी ऑन एन एवरेज जहाँ पर 1000 केसेस का यहाँ पर इजाफा हो रहा था, यहाँ पर 930 केसेस यहाँ पर 24 घंटे में बढ़े। ठीक है, डेथ्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो 448 यहाँ पर जो डेथ्स थी कल तक, यहाँ पर जो है 488 यहाँ पर डेथ हो चुकी है। यानी एक दिन में टोटल 40 यहाँ पर डेथ हो चुकी है, जो कि काफी बड़ा नंबर ये है। ठीक है, एक दिन में 40 डेथ होना यहाँ पर काफी एक बड़ा नंबर है, जो कि ऑन एन एवरेज यहाँ पर 20 से 25 यहाँ पर डेथ हो रही थी, यहाँ पर टोटल यहाँ पर जो है ये डबल होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी टोटल 40 डेथ्स हुई है 24 आर्स में। और रिकवर्ड पेशेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1777 पेशेंट जो कल तक यहाँ पर रिकवर्ड होकर अपने घर पर चले गए थे, आज वो जो डिजिट्स है वो 2045 तक यहाँ पर इंक्रीज हो गए। यानी एक दिन में 268 यहाँ पर जो पेशेंट है वो अपने घर पर यहाँ पर चले गए हैं। ठीक है, कुछ और बातें हम लोग कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ये जो वेबसाइट है जिसका नाम है worldmeters.info, इसे हम लोग एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। ये जो नंबर्स आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पर, ये 18 अप्रैल तक सुबह 7:30 to 8 बजे तक का ये डेटा है। ठीक है, अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं या आप अभी जब ये वीडियो देख रहे हो तो ये नंबर जो है हो सकता है बड़े होंगे। ठीक है, कल हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है 40 डेथ्स हो चुकी है एक दिन में, रिकॉर्ड पेशेंट यहाँ पर 2045 है, यानी यहाँ पर 260 पेशेंट यहाँ पर एक दिन में यहाँ पर रिकॉर्ड होकर अपने घर जा रहे हैं। क्लोज्ड केसेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2533 यहाँ पर केसेस जो है वो क्लोज कर दिए गए हैं। ठीक है, दो तरीके से केसेस यहाँ पर क्लोज होते हैं, एक तो पेशेंट जो है रिकवर्ड होके डिस्चार्ज होके अपने घर पर रवाना हो जाता है, या फिर उसकी डेथ हो जाती है और वो शमशान घाट चले जाता है। ठीक है, तो आज के टाइम में सबसे सेफेस्ट प्लेस कौन सा होगा? आपका अपना घर। ठीक है, तो ना ही आपको हॉस्पिटल में जाना है और ना ही आपको शमशान घाट जाना है, तो आपको अपने घर में ही रहना है। जब तक इंपॉर्टेंट काम आपको नहीं रहेगा तब तक आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, और एक बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर आपको करेंसी जो है उसको डायरेक्टली टच नहीं करना है। ठीक है, अगर आप मार्केट में जाते हो कुछ परचेस करने के लिए किसी शॉप पर और वहाँ पर आपको कोई छुट्टे अगर मिलते हैं तो उसे आपको डायरेक्टली टच नहीं करना है। एक तो आपको ग्लव्स का यूज करना है या फिर उस छुट्टे पैसे को आपको किसी पॉलीथीन में रख देना है। ठीक है, पॉलीथीन में उसे कैरी करना है, डायरेक्टली किसी को भी टच नहीं करना है, और वो छुट्टे पैसे जो है आपको अपने घर पर कहीं पर भी रख देना है। जो भी छुट्टे पैसे होंगे उसे उसको आपको डायरेक्टली टच नहीं करना है, क्योंकि क्या पता वो जो छुट्टे पैसे है वो कहां कहां से जो है घूम के आपके पास में आए, तो आपको उसको पर्स में बिल्कुल भी नहीं रखना है, डायरेक्टली टच नहीं करना है, ग्लव्स का इस्तेमाल करना है अगर आप बाहर जा रहे हो तो, सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पर आपको पालन करना है, जो भी गवर्नमेंट आपको यहां पर बोलती है उसका आपको यहां पर पालन करना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये होगा, क्योंकि ये जो नंबर है ये फ्यूचर में हमें बढ़ने को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा यहाँ पर टेस्ट होगी उतने ज्यादा ये नंबर हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, 14,425 है, कल जब हम ये वीडियो बनाएंगे तब यहाँ पर ये जो डिजिट्स है यहाँ पर और 900 से 1000 यहाँ पर जो है केसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे, क्योंकि उतनी टेस्ट अभी आने वाले समय में होगी 24 आवर्स में। ठीक है, तो 15,400 के आसपास हमें कल ये डिजिट्स देखने को मिलेंगे, और हम नहीं चाहते कि ये डेथ्स के जो डिजिट्स है इसमें इंक्रीज हो, इसमें इजाफा हो, ये जो है ये स्टैटिक रहे, इसमें कोई भी बदलाव ना हो। और रिकवर्ड पेशेंट जो है हम सभी चाहते हैं कि सारे लोग जो है सारे पेशेंट जो है रिकवर्ड होकर अपने घर चले जाए। आपको जो है बहुत ही प्रिकॉशन यहाँ पर रखना है, क्योंकि आपको अपना ख्याल तो रखना ही है, इसके अलावा आप अपने फ्रेंड सर्कल अपने फैमिली का भी आपको यहाँ पर ख्याल रखना है। हो सकता है ये वायरस से आप लड़ लो, पर आपके घर में अगर कोई बच्चे होंगे या फिर कोई बुजुर्ग होंगे तो वो इस वायरस से नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है, अभी तक इसकी कोई मेडिसिन जो है वो पुख्ता मेडिसिन अभी तक अवेलेबल नहीं है, उसी के चलते एक दिन में यहाँ पर 40 डेथ्स आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, कोई भी मेडिसिन अभी तक नहीं है, अभी जो मेडिसिन अवेलेबल है, जो मेडिसिन अभी दी जा रही है वो किसी पे काम कर रही है किसी पे काम नहीं कर रही है। ठीक है, सब कुछ डिपेंड करता है आपके इम्यूनिटी सिस्टम पर, आप उस वायरस से लड़ने में कितने कारगर हो उस पर ये सारी चीजें जो है डिपेंड करेगा। एक छोटा बच्चा और एक बुजुर्ग इंसान जो है उस वायरस से लड़ने में उतना इफेक्टिवली जो है वो लड़ नहीं पाएगा जितना यंग लड़का लड़ पाएगा, तो उन लोगों की केयर करना भी अभी आपकी जिम्मेदारी है। मुझे पता है कि ये जो वीडियोस मेरा देख रहे हैं उनकी जो उम्र है वो ज्यादा करके यंग लोग है। ठीक है, 18 above 18 to 35 के बीच में आपकी उम्र होगी, आपकी जो है एज होगी 18 to 35, तो ये जिम्मेदारी
रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी आपके ऊपर है। आपको जो प्रिकॉशन रखना है और आपके आस पड़ोस में आपको अवेयरनेस फैलाना है, जितना आप फैला सकते हो अवेयरनेस उतना आपको अवेयरनेस यहाँ पर फैलाना है, ठीक है। छोटों को बताना है, बड़े बुजुर्गों को बताना है और आपको भी पालन करना है सारे गाइडलाइंस का, ठीक है। तो बस इतनी बातें करते, हम नहीं चाहते कि ये जो दो नंबर से इसमें इजाफा हो, हम चाहते हैं कि रिकवर्ड पेशेंट्स के जो नंबर से इसमें इजाफा हो। बस इतनी बातें करते हैं, कल हम लोग और एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे कल यानी 18 और 19 का जो डिजिट है उसके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच गाइज।